ये आकाशवाणी है। शारदीया कलाप जगदीश चंद्र माथुर के लिखे इस प्रसिद्ध नाटक की पहली कड़ी सुन चुके हैं। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। बहुत मीठी आवाज़ है तुम्हारी रहीमन। आपकी मेहरबानी है बाजा भाई जी। अच्छा अब तुम जाओ। जो हुक्म। सरना। ओ सरना जी। अरे नाराज हो गई है क्या? रूठ गई है क्या मेरी अच्छी सरना भाई? मैं कौन हूँ रूठने वाली? मैं जानती हूँ तेरे रूठने का कारण। तुझे रहीमन का रहना अच्छा नहीं लगता है ना? लेकिन मैंने तो उसे बुलाया नहीं था। जानती हूँ, उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि बाबा साहब ने जो राह पकड़ी है उसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं है, मन की नहीं, मन के मीतों की नहीं। तूने ठीक कहा था सरना भाई। भाईजा भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? क्या? मुझे फुर्सत दे दो। फुर्सत? मैंने बहुत दिन निभाया है, जितने दिन जीऊँगी आपकी याद मेरा सहारा रहेगी, पर इस घर में तो अब रहा नहीं जाता। हर दिशा हर दीवार जैसे संदेह की नज़र डालती रहती है। घर छोड़ना चाहती है सरना भाई? अगर आप आज्ञा दें। जो कहूँ कि आज्ञा दे दी तो आज ही चली जाना चाहूँगी। कहाँ? जहाँ भगवान ले जाए। अगर मैं ही कहीं जाने को कहूँ? भाई जा भाई। सरना आज मैंने वही करने का निश्चय कर लिया है जो गोकुल के गोपियों ने नहीं किया। मैं जाऊंगी उनके पास। कहाँ? मथुरा तो गोकुल के बहुत पास थी। हैदराबाद पूना से दूर तो है लेकिन बहुत दूर नहीं। पर नरसिंह राव हैदराबाद में ही होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? खरदा की लड़ाई खत्म हो चुकी है, हमारी जीत हुई है। पूना में कई दिन से संधि की वार्ताएं हो रही हैं। यहाँ होती तो एक बार तो मिलती। सरना भाई मैं जाऊंगी हैदराबाद घर छोड़कर चुपचाप।
जोखिम का काम है। जानती हूँ सरना भाई, तुझे भी मेरे साथ चलना है, आज ही अभी। बोल, चलेगी ना मेरे साथ? मैं तैयार हूँ। मेरी अच्छी सरना, सुन, रातों रात हम लोग निकल जाएंगे। युद्ध के बाद अब लाखों परिवार अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, हम लोग भी उन्हीं में खुल मिल जाएंगे। चल सरना, चल, जल्दी कर, थोड़ा बहुत सामान तो ले ही लेना होगा ना। चला, जल्दी कर। कहाँ है बाईजान और सरना? यहाँ तो है नहीं। अंदर गई होंगी, सरकार देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं कहती हूँ, कोई ना कोई गुल खिलकर ही रहेगा। आज मैं जड़े ही काट दूंगा। लेकिन सरकार, जरा नरमी से। ठीक है, जल्दी आओ। कोई इधर ही आता लगता है। बाजा भाई और सरना ही है सरकार, आइए इधर छुप जाइए। आओ रही मन। सरना भाई, मैं यही ठहरती हूँ, तू बाहर जाकर देख कोई है तो नहीं। अभी देख कर आती हूँ छोटी वाल कर, अभी आती हूँ। जा सरना जा, जल्दी लौट और बता कि रास्ता निष्कंटक है कि नहीं। निष्कंटक ही होगा यार। बाबा, आप? बेटी, मुझसे तो पूछ लिया होता, अपने बाप से इतनी क्या नाराजगी कि विदा मांगना भी जरूरी नहीं। बाबा, मुझे शहर दे दीजिए। तू मुझे इतना निर्मम समझती है, उस दिन जरा सा छिड़क दिया तो तू उस पर इतना रूठ गई। ले आ, तुझे सारी बात बताता हूँ, बैठ बैठ जाना। बाबा, इस गठरी को उधर रख दे। देख बेटी, मैंने नरसिंह राव के लिए तुझे जो मना किया था वो तेरे अच्छे के लिए तो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर तू नरसिंह को इतना चाहती है तो खरदा की लड़ाई समाप्त होने के बाद उसके लौटते ही तेरे साथ उसका ब्याह कर दूंगा। बाबा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। खरदा की लड़ाई में नरसिंह मारा गया। हाँ बेटी। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। मुझे मालूम था कि तुझे दुख होगा, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। इतने दिन आपने क्यों नहीं बताया बाबा? कैसे बताता, दुश्मनों के सिपाहियों के मरने के ब्यौरे तो देर से ही मिलते हैं ना। दुश्मन? हाँ बेटी, नरसिंह राव तो निजाम की तरफ से लड़ रहा था ना मराठों के विरुद्ध। नहीं, नहीं बाबा, नहीं, ये नहीं हो सकता बाबा, आपने गलत सुना है। कह दीजिए बाबा, कह दीजिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सब झूठ है बाबा, कह दीजिए, ये सब झूठ है, कह दीजिए, नहीं सब झूठ। मैं जानता था बेटी कि ये सब जानकर तुझे चोट पहुंचेगी, लेकिन सच्चाई को छुपाता भी कैसे, बहुत दिल कड़ा करके ही तुझसे कह पाया। सरना, सरना भाई। सरना तो गांव गई अभी अभी। सरना गांव गई, तूने भी धोखा दिया और तुम भी नरसिंह राव, हर तरफ विश्वासघात, हर तरफ तो। धीरज धर बेटी, धीरज धर। अरे रहीमन। आई मालिक। रहीमन, बाजा बाई को संभाल, मैं चलता हूँ। बाजा बाई, बाजा बाई। रहीमन, यही तहखाना है जिनसे वाले साहब। ओह, कितना घिनौना अंधेरा है यहाँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं अकेले ही नरसिंह से मिलूंगा। जो आज्ञा आपकी। नरसिंह राव, नरसिंह राव। कौन? गणपति, क्या क्या समय हो गया? नरसिंह, ये किसकी आवाज है?
अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो क्या ये सरदार जिनसे वाले? हाँ नरसिंह, मैं ही हूँ सरदार जिनसे वाले। सरदार जिनसे वाले अंधेरे रेगिस्तान में ज्योति की मरीची का। मैं इधर हूँ नरसिंह, आओ नरसिंह राव। तुम्हारी ये हालत? भूल जाइए सरदार, मैं अब जिंदगी की सीमा पार कर चुका हूँ, मौत का पैगाम आ चुका है। आप जाइए। मैं परवाना लेकर आया हूँ। किसका? अलीजा सिंधिया महाराज का। अब तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी नरसिंह, बैठ जाओ नरसिंह, मैं बैठकर ही बातें करूंगा। एक महीना में बातें करना भूल गया हूं सरदार। ये आवाज क्या मेरी है? क्या मैं सचमुच आपको देख रहा हूं? मौत की सर्द उंगलियां मेरा इंतजार कर रही हैं, और आप? नरसिंह, महाराज ने तुम्हारा फांसी का हुक्म रद्द कर दिया है। क्या सच? सच सच सरदार जिनसे वाले, क्या सचमुच मैं ज्योति की राह पर चल सकूंगा? ये मैं नहीं कह सकता। तब तुम्हें यहीं रहना है कारागार में। फांसी नहीं होगी लेकिन आजीवन कारागार में रहना होगा। नहीं जानता क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है, क्यों मुझे फांसी की सजा दी गई और अब क्यों नहीं मुझे फांसी दी जाती? नरसिंह, मैं तुम्हारा मित्र हूं, सच बताओ, क्या निजाम अली की पहरेदार टुकड़ी से तुम्हारी जान पहचान थी? हाँ थी, वरना इतने सारे भेद कैसे ला पाता? पहरेदारों की टुकड़ी जिससे तुम्हारी जान पहचान थी? क्या सरदार जिनसे वाले, आपका मतलब मेरा नहीं, अलीजा सिंधिया का यही ख्याल है कि तुम्हारे इशारे से ही वे गोलियां। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? नहीं, मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया, भाऊ साहब को भी यकीन नहीं हो सका, लेकिन सिंधिया महाराज तुम्हें। तुम मुझे अपनी उस दिन की मांग के लिए ही दंडित किया जा रहा है। ये कहना भी गलत होगा क्योंकि लड़ाई के बाद मराठा और निजाम के बीच संधि की अन्य शर्तें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन एक पूरी हो गई है। मराठा और निजाम दोनों के राज्य में घोषणा कर दी गई है, हिंदू और मुसलमान बराबर हैं। सच? भाऊ साहब के आग्रह से ही मैंने वो पुल तोड़ा था, और आज मेरी बात मानकर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच टूटते हुए पुल को छोड़ दिया सरदार। लेकिन तुमने जो बहादुरी की उसका पुरस्कार? पुरस्कार? ये कारागार। नरसिंह, मैं फिर जाऊंगा सिंधिया महाराज के पास, न जाने किसने अलीजाह के कान भरे हैं, कोशिश नहीं छोड़ूंगा। सुनिए सरदार, पता नहीं उन्हें स्वीकार होगा या नहीं, मैं यहां खाली बैठा रहता हूं, अगर गणपति से कहकर एक छोटा सा करघा मंगवा दे तो वो हो जाएगा, मैं कहता जाऊंगा। तो वो ही मेरा संबल होगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बुनता रहूंगा रुपहले और सुनहले पल्ले। हवा सी हल्की और कुसुम सी कोमल चांदनी सी चीनी, चांदनी चांदनी चार दिया, वही तो चांदनी है मेरी इस काल कोठरी की ज्योति। नरसिंह राव? कौन, गणपति? हाँ नरसिंह राव।
पर तुम तो बिल्कुल कबीर ही बन गए। कबीर? गणपति जी आप बैठिए, लेकिन यहाँ कहाँ बिठाऊँ आपको मैं। कितने महीने तो हो गए तुम्हें इसे बुनते, मुझे तो अपनी ये कला दिखाई ही नहीं। आज पूरी हो रही है, अभी दिखाता हूँ। आप तो दिन भर गायब रहे। आज दिन भर दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। आलीजा सिंधिया महाराज की शादी के बाद पहली बार महारानी की पधारी है। ब्राह्मण भोज, कंगालों को भोज, कैदियों की छूट आदि के कितने ही काम करने थे। महारानी दयालु स्वभाव की लगती है। मुझे तो उम्मीद थी कि और कैदियों के साथ साथ तुम्हारी रिहाई का भी हुक्म देंगे, पर अभी तक तो। मेरी रिहाई? उससे क्या होगा गणपति? मेरा सभी कुछ तो यही है। इन महीनों में तुम में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें देखकर तो मैं दंग रह गया। मैंने इन्हीं तहखानों में कैदियों का पत्थर से सर टकराते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बाहर की रोशनी की एक किरण मिल सके। लेकिन आज तो शरद की चांदनी है, और होते हुए क्या भी तो आज शरद पूर्णिमा है। हाँ, बाहर चांदनी छिटक रही है, तुम्हारे झरोके से छन कर आती होगी। अच्छा, मैं दीपक बुझा देता। दीपक बुझाना ठीक ना होगा, लाओ मैं बाहर रखाता हूँ। पर तुम बुनोगे कैसे? बुन चुका हूँ। इस कपड़े का सौंदर्य जैसा चांदनी में निखरेगा, वैसा दीपक की रोशनी में नहीं। शरद पूर्णिमा, शायद कोई आ रहा है, मेरा बुलावा होगा। दीपक बाहर रखे आता हूँ। दरवाजा बंद हो गया, पर गणपति मेरी स्मृतियों के द्वार तो तुम खोल ही गए। शरद पूर्णिमा, आज मैं इसे पूरा कर रहा हूं। लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है, तुम्हारे ही रूप का ताना बाना तो मेरी उंगलियों को गति दे रहा था, और आज चांदनी आई है तो तुम्हें भी आना ही है। न जाने तुम कहाँ हो, और तुम्हें भी क्या मालूम कि मैं कहाँ हूं। नहीं मालूम होगा कि मैं कैदी हूं। शायद तुमने सोचा हो कि खरदा की लड़ाई में मैंने वीर गति पाई। वीर गति, ये सुनने पर तुमने क्या सोचा होगा। तुम्हारे नैनों में आंसू शबनम के मोती चल चला उठे होंगे, बर्फ की तरह जमी वेदना, लेकिन स्वच्छ निर्मल जैसे जैसे ही चांदनी चांदनी और विधवा। उस दिन पूना में तुमसे विदा लेते समय लगा था जैसे चांदनी लाज भरी सुहागन बनकर आई हो। शारदिया, नरसिंह, नरसिंह, तुम क्या कर रहे हो? सुनो, स्वयं महारानी जी यहाँ आई हैं। महारानी कौन? अरे आलीजा सिंधिया महाराज की महारानी जी, और कौन? आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे इस कुर्सी में महारानी को नहीं लाएगी। मैं इस समय किसी और की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किसी और की? यहाँ और कौन आ सकता है? आप नहीं समझेंगे, मैं तुमसे कहने आया था कि मौका मिले तो महारानी जी को भेंट दे देना। भेंट? हाँ नरसिंह, वही रेशमी कपड़ा उन्हें भेंट कर देना जो तुमने बुना है। खुश हो गई तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, शायद तुम्हारी रिहाई की आज्ञा दे दे, समझे? वो कपड़ा? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। देखो बेवकूफी मत करना, वो लोग आ पहुंचे हैं, मैं जा रहा हूँ। नरसिंह राव। कौन? सरदार जिनसेवाले? हाँ नरसिंह, इधर देखो, महारानी जी आई हैं, उनके दर्शन करो उनके हाथ से। नहीं नहीं सरदार, नहीं नहीं, आज शरद पूर्णिमा है और आप नहीं जानते कि आज मैं किसके दर्शन का भिखारी हूँ। मैं उसके पास था, लेकिन आप लोगों ने शारदिया। नरसिंह राव, आंखें खोलो, तुम्हारी शारदिया तुम्हारे सामने खड़ी है। कौन? महारानी बायजाबाई सिंधिया। कौन? मैं ही आई हूँ नरसिंह राव। महारानी, मैं
मैं मशाल वालों के साथ बाहर खड़ा हूँ, आप अधिक विलंब न करें। मैं ही आई हूँ नरसी, याद है एक दिन तुमने शिकायत की थी कि मैंने तुम्हारी पग ध्वनि नहीं पहचानी, और आज महारानी बाजाबाई तुम्हारे लिए नहीं नरसी, यकीन नहीं होता। जानना चाहते हो कि ये सब कैसे हुआ? क्या होगा ये सब कुछ जानकर? मेरा स्वार्थ है कि तुम जान लो, ये सब बाबा के हट से हुआ है। क्या? बाबा कागर के खलेदारी वापस चाहते थे ना, वो उन्हें मिल गई। आलीजा सिंधिया ने यशवंत राव को निकाल बाहर किया। इतने छोटे से काम के लिए महाराज को कष्ट, ये तो शायद मैं ही कर सकता था। लेकिन तुम बाबा को सिंधिया की दीवानी तो नहीं दिला सकते थे ना? दीवानी? हाँ नरसिंह, हाँ, शर्जीराव खाटकिया सिंधिया के दीवान हैं। तुम नहीं जानते नरसिंह मेरे ऊपर क्या बीती है, किन आकांक्षाओं के यज्ञ में मैं आहुति बना दी गई हूँ। लेकिन सिंधिया महाराज ने तुम्हारे लिए ही क्यों हट किया? रूपा शक्ति, जिसे वे प्रेम कहते हैं, पूना के शरदोत्सव में उन्होंने देखा था, तुम भी तो थे वहाँ। उन्होंने हट किया था कि बाईजा भाई उनके अंतःपुर में पहुंचेगी, इधर बाबा को अपना सौदा ठीक करने का मौका मिल गया। ओ नरसिंह, लेकिन तुम? तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करती रही, खरदा की लड़ाई समाप्त हो गई लेकिन तुम नहीं लौटे। तभी बाबा ने बताया कि तुम खरदा की लड़ाई में मारे गए, पर यहाँ आकर मालूम हुआ कि ये सभी कुछ झूठ था नरसिंह। खैर, एक देशद्रोही के कलंक से तुम बच गए। ये सब झूठ था, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष थे। तुम्हें कैसे मालूम? सिंधिया महाराज ने बताया था, जब तुम्हें गिरफ्तार किया गया था तब वे भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें उस समय ये सब कुछ मालूम नहीं था कि गोलियों की वो बौछार दुश्मनों की तरफ से नहीं आई थी बल्कि मेरे बाबा की ही करतूत थी। हमेशा भड़कने वाली आकांक्षा का सर्प उनके मन में कुंडली मारकर बैठा था, उसकी फुंकार के तुम शिकार हो गए नरसिंह। मुझे फांसी दिलवाने से क्यों रुका है तुम्हारे बाबा? वो तो यही समझते हैं कि तुम्हें फांसी दे दी गई है, उनसे छिपा कर सिंधिया महाराज ने तुम्हारे वध न किए जाने की आज्ञा दी। आप खाटके जी को बता दें महारानी, उनका अरमान क्यों नहीं जाए। नरसिंह, सिंधिया महाराज ने मुझे अनुमति दे दी है कि तुम्हें रिहा किए जाने की आज्ञा दे दूं। रिहाई? किस नियामत के लिए रिहाई महारानी, किस जीवन के लिए रिहाई? नरसिंह, तुम भी मुझे महारानी ही कहोगे। बाईजा भाई, तुम जैसे रिहाई कहती हो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा भयानक कारागार होगा। ये बेदर्द पत्थरों का तहखाना, ये अंधेरे के घुटन, नहीं नरसिंह नहीं, तुम्हें इससे दूर होना है। बाईजा भाई, क्या तुम भी नहीं समझोगी? समझ रही हूँ, समझ रही हूँ नरसिंह। तुम मुझे छोड़ाने आई हो तो मेरी एक भेंट स्वीकार करो। ये देखो बाईजा भाई। ओह, ये साड़ी, ये दिव्य सौंदर्य, कितनी बारीक है, जैसे सवेरे का कुहासा हो, मुलायम जैसे नई कोपल। नरसिंह, ये तुमने कहाँ से पाई? देखती हो ये करगा? तुमने बुना है इसे? अपना वादा पूरा करने के लिए, तुमने कहा था ना, आज वो तिथि आई है। नरसिंह, ये साड़ी 5 गज लंबी है लेकिन वजन केवल 5 ही तोला है। पर नरसिंह, इतनी बारीक साड़ी फिर तुम्हें? ये देखो ना मेरी उंगली, उंगली के सुराख में से चांदनी की किरण दिखती है ना बाजा? तुमने अपनी उंगली में सुराख कर लिया? याद है उस शरद पूर्णिमा को तुमने अपनी उंगली के खून से टीका किया था मेरा। एक बूंद खून, लेकिन मैं उस रक्त की बूंद को भूला नहीं था बाजा भाई। आज मैं तुम्हें विदा दे रहा हूँ। तुम रो रही हो बाजा, रोती क्यों हो? तुम्हारे रक्त के टीके ने मुझे बचाया, और ये साड़ी, ये मेरा रक्तदान, ये आंचल, ये तुम्हारे नए जीवन में तुम्हारी रक्षा करे। नया जीवन, सांसों की संजीरें, और तुम
तुम नरसिंह मेरी जंजीरें। भाई जा भाई, ये जंजीरें नहीं। महारानी जी, समय बुरा है। नरसिंह तुम चलो, नरसिंह आज्ञा पत्र मेरे पास है, चलो नरसिंह चलो। नहीं भाई जा भाई, मैं यहीं रहूंगा। तुम जाओ महारानी, तुम जाओ भाई जा भाई। हाँसुओं में नहीं, मुस्कानों में भीगती हो। नरसिंह, और मैं यहीं रहूंगा क्योंकि तुम यहीं हो। महारानी नहीं, भाई जबाई नहीं, लेकिन तुम। नरसिंह, हाँ तुम मेरी शारदिया, मेरी शारदिया। तुम जो मेरी हो, हमेशा थी, हमेशा रहोगी। शारदीया, अभी आप जगदीश चंद्र माथुर के लिखे इस प्रसिद्ध नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। ध्वनि संयोजन गोपाल सक्सेना का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, पंडित विनोद शर्मा, बी आर नागर, सतीश कक्कड़, दीनानाथ जुत्सी, हरि कपूर, सरल नांगिया, सुधा शर्मा, शारदा चोपड़ा, टीपी जैन, केवल कपूर और आनंद शिवपुरी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।